हेलो गाइस, वेलकम टू बी कोडर। सो गाइस, जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट किए थे, तो जैसे कि कमेंट स्टेटस वगैरह, जैसे कि पर्टिकुलर डॉक्टर ने पर्टिकुलर यूज़र को जो अपॉइंटमेंट लिए थे उसको स्टेटस दे रहे थे कमेंट। उसका अगर चेकअप हो गया कम्प्लीटेड, चेकअप कम्प्लीटेड, अगर कुछ सजेशन देना है तो वहाँ से कमेंट मॉड्यूल से दे रहे थे, राइट। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो करने वाले एडमिन डैशबोर्ड में, राइट। तो जैसे पेशेंट में जो क्लिक करेंगे, जो जो यूज़र ने अपॉइंटमेंट लिए है, राइट, ऑल द अपॉइंटमेंट लिस्ट सो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे पेशेंट मॉड्यूल में। ओके गाइस, तो सक्सेसफुल ऑलरेडी वी हैव डन 80% ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जैसे रिमेनिंग 20% कंप्लीट करने वाले हैं, वन टू टू वीडियोस में हम कंप्लीट कर देंगे टोटल फुल प्रोजेक्ट्स को। तो गाइज, आप करने वाले जैसे पेशेंट मॉड्यूल में क्लिक करेंगे, ऑल द अपॉइंटमेंट जो जो लिए सब कुछ डिस्प्ले करके दिखाएंगे। तो गाइज, नंबर सिंपल मैं दिखा दो, जैसे पेशेंट में से क्लिक करेंगे, इस तरह लिस्ट दिखाएंगे, ऑल द फुल नेम, जेंडर, एज, अपॉइंटमेंट डेट, ईमेल, मोबाइल नंबर, डिजीज, डॉक्टर नेम, एड्रेस एंड स्टेटस दिखाएंगे, राइट। ऑल द डिटेल्स और डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पर एडमिन, एडमिन के पास कंट्रोल आएगा, ऑल द डॉक्टर्स देख पाएंगे और ऑल द जो जो अपॉइंटमेंट लिए उसका देख पाएंगे और उसका स्टेटस के साथ क्या क्या स्टेटस दिया है डॉक्टर ने, पर्टिकुलर सरोज कुमार ने, राइट। तो सुरेश तिवारी जो डॉक्टर कुछ भी इसको रेस्पॉन्स दिया कॉमेंट्स को डिस्प्ले करके दिखाएंगे। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, वीडियो को लाइक नहीं करता लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट मिलता रहा है कि आपके लिए सर वैल्यूबल कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, आपको श्योर मैं आंसर देने वाला हूँ। ओके गाइज, तो लेट स्टार्ट। देन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिन फोल्डर में एक बनाएंगे जेएसपी फाइल पेशेंट और जेएसपी एच, राइट। तो राइट क्लिक करेंगे एडमिन में, न्यू, देन जेएसपी फाइल पेशेंट और जेएसपी, तो ये क्रिएट हो चुका है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लिंक करेंगे सीएसएस फाइल, तो इंडेक्स फाइल से हम कॉपी कर लेंगे। तो जो स्टाइल टैग में जो बॉडी शैडो देने के लिए चारों तरफ कैडम, उसको कॉपी करेंगे एंड सीएसएस फाइल कॉपी कर लेंगे। देन नया बार और जेएसपी, इसको भी कॉपी कर लेंगे। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल एक कूल एमडी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, राइट। तो कूल एमडी 12 एंड कार, तो चारों तरफ पैडिंग देने के लिए शैडो पेंट कार मैंने डिफाइन किया, राइट। तो यहाँ पर इसका क्लास है बॉक्स शैडो मैंने डिफाइन किया। ओके गाइस, देन यहाँ पी टैग में लिखा है यहाँ पर जैसे पेशेंट डिटेल्स, टेबल है टेबल एंड टी हेड, दैट मीन्स ये टेबल हेड, राइट। टी आर मैंने डिफाइन किया, फुल नेम, जेंडर, एज, अपॉइंटमेंट, जो जो मैंने अपॉइंटमेंट्स टाइम उस सब जो इनपुट ले रहे थे पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाएंगे। देन उसे पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया उसका डाटा को, राइट। तो मैंने यहाँ पर इसको डायनामिक लेके आएंगे, राइट। तो मैंने आप उसको सेव कर दूंगा। देन आ जाएंगे जैसे कि नया बार में, राइट, नया बार में उसको लिंक करेंगे। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पेशेंट और जो एस पी है, पेशेंट और जो एस पी मैंने क्रिएट किया, राइट। तो आपको पेशेंट और जो एस पी यहाँ पर क्रिएट करना होगा, राइट, लिंक। तो आ जाएगा मेरे जो ये प्रोजेक्ट है, राइट। तो ये एडमिन डैशबोर्ड यहाँ पर देख पा रहे, पेशेंट में ऐसे क्लिक करूँगा तो कैसे एक्सपोज देख पा रहे। तो यहाँ पर आ चुका है फुल नेम, जेंडर, एज, अपॉइंटमेंट, जो डिटेल्स मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ, राइट। तो आ जाएंगे, देन इसको डायनामिक करेंगे जैसे लाइट, राइट। तो जो जो अपॉइंटमेंट लिया तो फर्स्ट ऑफ डाओ में एक मेथड बनाएंगे, उस मेथड के हिसाब से यहाँ पर उसको गेट का कॉल कर लेंगे, राइट। तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डाओ में आ जाएंगे, देन डाओ कॉम डाओ, देन अपॉइंटमेंट डाओ, राइट। ऑल अपॉइंटमेंट द गेट ऑल अपॉइंटमेंट बाई यूज़र, तो लॉग इन जो हो रहा है डॉक्टर के हिसाब से हम गेट कराते हैं, गेट अपॉइंटमेंट बाई आईडी एंड ये अपडेट कॉमेंट स्टेटस करने के लिए, राइट। तो जिससे कि ये वाला जो हम लोग गेट कराते हैं, गेट ऑल अपॉइंटमेंट बाई डॉक्टर लॉग इन, तो इसको कॉपी कर लेंगे, थोड़ा चेंजेस कर देंगे, हो जाएगा, राइट। तो हमको कोर बार बार नहीं लिखने पड़ेगा, कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके गाइज, तो गेट ऑल अपॉइंटमेंट लिख देंगे, राइट, नमा सिंपल। तो आईडी हमको जरूरत नहीं है, जितने जो भी रहेंगे आर्मी के पास सब कुछ दिखाएंगे उसको, कोई डॉक्टर के हिसाब से नहीं दिखाएंगे, राइट। तो लिस्ट रखेंगे, तो हायर कंडीशन में ऑर्डर बाय आईडी, हायर कंडीशन में डॉक्टर आईडी को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन देंगे ऑर्डर बाय आईडी हिसाब से, मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाऊंगा, राइट, रिसेंटली ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे, राइट। एंड ये पी एस द सेट इन इसको रिमूव कर लेंगे। ओके गाइस, ये कंप्लीटेड, और कुछ चेंजेस नहीं करना है। ओके, देन आके पर्टिकुलर इस लाइन पर्टिकुलर इस मेथड को कॉल करेंगे पेशेंट और जैसी पेज में, राइट। तो टी बॉडी के अंदर कॉल करेंगे, देन अपॉइंटमेंट डाओ इक्वल टू न्यू अपॉइंटमेंट डाओ डी बी कॉर्नेट डेट गेट कॉन डाओ डॉट गेट ऑल अपॉइंटमेंट, राइट। तो मिल जाएगा मेरे को, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉइंटमेंट क्लास ऑब्जेक्ट, राइट, देन लिस्ट,
इसको फॉरिच लूप के हेल्प से उसको गेट करेंगे राइट स्टेप बाय स्टेप। देन अपॉइंटमेंट क्लास की है, अपॉइंटमेंट नेपी कोलोन देन लिस्ट, देन इसको फर्स्ट ऑफ स्क्रिप्टलेट टैग को क्लोज करेंगे, स्क्रिप्टलेट टैग क्लोज। ओके गाइस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल नेम देंगे राइट, लिपी डॉट गेट फुल नेम, सेकंड जेंडर राइट। तो रिपीटेड कोड जो मैं लिखूंगा उसको कॉपी कर दूंगा राइट, तो इसी ये वाला राइट, तो ओनली मेथड नेम चेंज होता है राइट, तो इसको राइट में कॉपी कर दूंगा डायरेक्ट रिपीटेडली, तो मैं पेस्ट कर लूँगा ना ओनली गेट जेंडर देन एच गेट एच दे एच के बाद देन गेट अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट डेट गेट फोन नंबर देन गेट डिजीज तो ओके गाइस, तो जैसे कि डॉक्टर नेम मुझे दिखाना है राइट, तो लेकिन डाटाबेस में दिखाता हूँ। तो जैसे कि अपॉइंटमेंट में तो नॉर्मल सिंपल डॉक्टर की मैं आईडी स्टोर करता, तो आईडी के हेल्प से मुझे गेट करना होगा पट्टी डॉक्टर की नेम राइट। तो आ जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट डाओ में एक डॉक्टर डाओ की नेम से एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट डाओ टू न्यू इक्वल टू डॉक्टर डाओ डी बी कॉर्नेटर गेट ऑन। ओके तो फॉरिस्ट लूप में कॉल करूँगा डाओ डॉट गेट डॉक्टर बाय ना डाओ टू डॉट गेट डॉक्टर बाई आई डी, तो ए पी डॉट तो ऑब्जेक्ट में जो डॉक्टर आई डी मिल जाएगा राइट, डॉक्टर आई डी उन्हें पास कर दिया। ओके डॉक्टर ये होने वाला है डॉक्टर के ऑब्जेक्ट, डी तो मेरे को यहाँ डॉक्टर का नेम मिल जाएगा डी डॉट के डॉक्टर नेम सॉरी डी डॉट फुल नेम देन गेट एड्रेस देन स्टेटस। ओके गाइस तो कंप्लीटेड, तो गाइस चलिए अभी रिफ्रेश चेक करके रिफ्रेश में करूँगा। तो गाइस सक्सेसफुल देख पा जितने यूज़र ने राइट पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लिया, ऑल द डिटेल्स हम डिस्प्ले हो रहा है, विराट कोहली लिए कौन से ने एस कुमार डॉक्टर के पास, उसका एड्रेस क्या है स्टेटस है पेंडिंग, एस कुमार ने लिए कौन से डॉक्टर आकाश के कुमार के पास उसका स्टेटस पेंडिंग राइट, तो ऑल द डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले होगा राइट। तो टोटल मॉडल कम्प्लीट हो चुका है, पेशेंट डॉक्टर पर यहाँ पर डॉक्टर आर हो रहा था राइट जो एडमिन पैनल में। ओके गाइस तो होम पेज से क्लिक करा था गाइड्स, दिस इज दिखा रहा है स्टेट स्टेटस 404। तो गाइज मोस्ट ऑफ द यूज़र को ये वाला एरर आता है, तो गाइज सबसे आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर क्या मेंशन हो रहा है एरर राइट। तो जैसे देख पर मैसेज जेएसपी फाइल एडमिन होम डॉट जेएसपी नॉट फाउंड राइट, तो पर्टिकुलर रिसोर्स जब नहीं मिलेगा राइट, रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तब ये वाला एरर आता है। ओके गाइज तो आपको फाइंड आउट करना है जैसे कि होम डॉट जेएसपी पेज उसको नहीं मिल रहा है राइट, तो लेकिन जैसे कि हमारी यहाँ पर इंडेक्स जेएसपी पेज है राइट, तो इसी तो उसको पर्टिकुलर होम डॉट जेएसपी में अवेलेबल नहीं, आपको दिखाया था एडमिन फोल्डर में होम डॉट जेएसपी नहीं, मेरे इंडेक्स डॉट जेएसपी राइट, तो उसको लिंक करना है नेबर में आ जाएंगे होम में से क्लिक करूंगा नहीं इंडेक्स डॉट जेएसपी खुल जाए। ओके गाइस रिफ्रेश कर लूँगा होम पे जैसे क्लिक करूंगा तो गाइस देखिए होम पे आ चुके हैं। ओके गाइस तो पेशेंट अभी डिस्प्ले हो चुके हैं, देन अभी गाइस दिखाएंगे यहाँ पर डायनेमिकली राइट, तो जैसे यहाँ पर दिखा रहे जो ये वाला स्टैटिक है राइट, तो इसके इसको मैंने टाइप करके रखा था राइट, तो नॉर्मल अभी चेंज कर जितने भी डॉक्टर रहेंगे, तो जैसे कि मान लो टोटल 3 डॉक्टर्स है, तो 3 डॉक्टर से यहाँ पर दिखाएंगे एन यूज़र कितना है रजिस्ट्रेशन की उसका दिखाएंगे, अपॉइंटमेंट कितना है एंड स्पेशलिस्ट कितना है राइट, तो ऑल द डिटेल्स यहाँ पर दिखाएंगे राइट, तो काउंट करके तो ऐसे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज ऑन फर्स्ट डॉक्टर डाओ में आएंगे राइट, तो सबसे कुछ सबको जो काउंट करेंगे एक ही डाओ के अंदर लिख देंगे राइट, तो रिपीटेडली अनदर अनदर क्लास में लिखेंगे तो अनदर अनदर क्लास मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा राइट, तो एक ही डॉक्टर डाओ में सब कुछ लिख देंगे राइट। तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ पब्लिक int फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट डॉक्टर राइट, देन उसको कर देंगे जैसे कि ये होने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल int i इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट राइट, तो रिटर्न
आई ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे राइट। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रिंग क्वेरी लिखेंगे राइट, एसक्यूएल क्वेरी। तो सिलेक्ट सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डॉक्टर DOCT डॉक्टर। ओके गाइस तो देन प्रिपेयर में क्या करेंगे, PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेस्टमेंट इसको पास करना राइट। ओके गाइस देन फर्स्ट ऑल रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे राइट। तो सिलेक्ट करिए राइट RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट करिए राइट। तो ये हमको कंप्लीटेड। तो इसी के उससे जो आई वैल्यू जो जीरो है तो उसको व्हाइल लूप में चलाएंगे राइट। तो जितने जो वैल्यू रहने वाला है तो एक एक अगर लो रो चेक करेंगे अगर वैल्यू होगा देन उसका आई वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाएंगे राइट। तो ये हो जाएगा राइट, जितने वैल्यू होगा तो इंक्रीमेंट होता रहेगा राइट। तो जैसे काउंट डॉक्टर तो सेम इसको लाइन कॉपी कर दूंगा राइट। तो उसको मैं कर दूंगा जैसे कि अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट टेबल है राइट। तो अपॉइंटमेंट टेबल को कॉपी कर लेंगे जैसे कि अपॉइंटमेंट टेबल। स्पेलिंग अगर मिसमैच अगर होगा तो टेबल नहीं तो एरर भी आ सकता है राइट। तो गाइस ध्यान से करना है आपको अपॉइंटमेंट देन अपॉइंटमेंट के बाद देन यूजर राइट। तो पर्टिकुलर सेम तो इस मेथड कॉल कर लेंगे कॉपी कर लेंगे देन काउंट यूजर देन टेबल नेम होने वाला है चेक करेंगे यूजर डिटेल्स राइट। यूजर डिटेल्स देन स्पेशलिस्ट कॉल करेंगे मेथड के लिए काउंट स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट। ओके गाइस तो ऑल द मेथड मैंने डिफाइन कर चुका राइट। तो आ जाएंगे तो इंडेक्स जेएस में राइट। तो इसी पेज के अंदर मैं इसको कॉल करूंगा राइट। तो यहाँ पर 5 राइट 43 जो स्टार्टिंग वाले उसको रिमूव करके डायनेमिक दिखाएंगे। तो रो के ऊपर फर्स्ट ऑफ में डॉक्टर राव की ऑब्जेक्ट बनाएंगे राइट। डॉक्टर डाव न्यू डॉक्टर डाव डेवी कॉनेट डॉट गेट कॉन कॉम्पिटेड। तो पर्टिकुलर यहाँ पे मैं एक एक करके एक्सप्रेशन टैग की हमसे कॉल करेंगे डाउ डॉट काउंट। ये होने फर्स्ट काउंट डॉक्टर सेकेंड में होने वाला है अपॉइंटमेंट डाउ डॉट काउंट यूजर डाउ डॉट काउंट अपॉइंटमेंट देन स्पेशलिस्ट डॉट डॉट काउंट स्पेशलिस्ट देन आके रिफ्रेश करेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा राइट। तो जैसे कि मैं जावा कोड के अंदर चेंजेस किया राइट। तो एडमिन ओके गाइस देख पा रहे हैं अभी टोटल टोटल डॉक्टर्स है 3 डॉक्टर्स है ये टोटल 10 हैं एंड टोटल अपॉइंटमेंट 3 है एंड स्पेशलिस्ट 5 है राइट। तो चेक कर लेंगे जैसे पेशेंट में क्लिक करूँगा तो गाइस देख पा टोटल 3 पेशेंट है डॉक्टर में से देखिए टोटल 3 डॉक्टर है राइट। तो ऑल द डिटेल्स हमारे डिस्प्ले हो रहा है काउंट होकर राइट डायनामिकली। तो गाइस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो पेशेंट में डिस्प्ले किया अभी एंड अभी ये वाला डायनामिक अभी हो चुका है राइट। तो लॉग आउट कर देंगे तो गाइस जैसे डॉक्टर का भी लॉग इन करेंगे तो गाइस आ जाएंगे डॉक्टर डॉक्टर के लॉग इन करेंगे डॉक्टर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ओके गाइस। तो यहाँ पर भी दिखाएंगे राइट टोटल डॉक्टर्स अभी कितने अवेलेबल है टोटल इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में टोटल अपॉइंटमेंट तो अपॉइंटमेंट दिखाएंगे पर्टिकुलर इस डॉक्टर आकाश कुमार के पास कितने टोटल अपॉइंटमेंट अभी दिखाएंगे राइट। तो आ जाएंगे तो सेम डॉक्टर डाउन में लिख देंगे कोड। तो ये जैसे काउंट डॉक्टर जो लिखेंगे तो ऑल द डॉक्टर्स का डिटेल्स होगा राइट। लेकिन अपॉइंटमेंट गेट करेंगे यूज़र आईडी के हेल्प से राइट। तो पर्टिकुलर डॉक्टर की आईडी तो मैं दिखाता हूँ जो अपॉइंटमेंट ले रहे राइट। तो इस डॉक्टर के पास कितने अपॉइंटमेंट है राइट। तो जैसे अभी 4 नंबर जो डॉक्टर है उसके पास कितने अपॉइंटमेंट दिखेंगे राइट उस डॉक्टर की आईडी के हेल्प से। तो आ जाएंगे काउंट डॉक्टर तो ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड। तो इसके बाद यहाँ पर काउंट डॉक्टर फिर से कॉपी कर लेंगे काउंट डॉक्टर ना गाइड नॉट दिस वन गाइज अपॉइंटमेंट को कॉपी करेंगे अपॉइंटमेंट काउंट अपॉइंटमेंट ये काउंट अपॉइंटमेंट बाय डॉक्टर आईडी। ओके गाइस तो आप पैरामीटर पास कर देंगे इंट डॉक्टर आईडी हो
यार डॉक्टर आईडी क्वेश्चन मार्क सेट इनटू वन डीआईडी ओके गाइस। तो ये वाला हो जाए राइट। नॉर्मल सिंपल में हम चेंजेस किया डॉक्टर आईडी के राइट। तो पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो डॉक्टर आईडी जो लॉग इन रहेंगे पर्टिकुलर उसके डॉक्टर की कितने अपॉइंटमेंट है, तो मैंने उसी हिसाब से मैं काउंट करके दिखा रहा हूँ राइट। तो आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे, तो रिफ्रेश करके वर्क नहीं करेंगे, कॉल करेंगे पर्टिकुलर मेथड को ना डॉक्टर पैनल में देन पर्टिकुलर डैशबोर्ड डॉक्टर डैशबोर्ड में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे राइट। तो डॉक्टर डॉ की डॉक्टर डॉ न्यू डॉक्टर डाओ डीबी कॉनेट गेट कॉन ओके गाइस। देन डॉक्टर में डाओ डॉट काउंट डॉक्टर राइट, काउंटर हो जाएगा राइट। लेकिन यहाँ पर गाइस जैसे कि ये जो लॉग इन रहेंगे डॉक्टर उसी हिसाब से दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ जो लॉग इन रहेंगे यूजर को फर्स्ट गेट करेंगे राइट। तो उसका होने वाला सेशन से हम गेट करेंगे जो डॉक्टर लॉग इन है सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। देन फर्स्ट ऑफ चेक करेंगे लॉग इन में डॉक्टर लॉग इन में डॉक्टर लॉग इन डॉक्टर ओबीजे डॉक्टर क्लास की होने वाला है राइट। तो ये टाइप टेस्ट होगा देन डॉक्टर डी ओके गाइस। तो आ जाएंगे पर्टिकुलर यहाँ पर कॉल करेंगे मेथड को इक्वल टू देन पर्टिकुलर फर्स्ट डी डॉट नॉट डी डॉट फर्स्ट ऑफ ऑल डाओ डॉट गेट नहीं काउंट अपॉइंटमेंट बाय डॉक्टर आई डी देन मेरे को डी भी मिल जाएगा राइट। तो डी ऑब्जेक्ट मेटर होल ऑब्जेक्ट मिलने वाला डॉक्टर की डॉट डॉट गेट आई डी ओके गाइस। तो सेव कर देंगे तो आके रिफ्रेश कर लेंगे। तो गाइस जैसे रिफ्रेश करूँगी ऑटोमेटिक लॉग आउट भी हो जाएगा राइट। देन आके डॉक्टर को लॉग इन करने वाले नॉट गाइस। तो गाइस वेट आकाश कुमार 1 2 3 4 5 लॉग इन ओके गाइस। अभी देख पाए टोटल इस हॉस्पिटल में टोटल 3 डॉक्टर्स अवेलेबल है राइट। तो इस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट एक ही है राइट। तो पैसे में से क्लिक करूँगा एक ही डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिया अभी तक यूजर ने तो यहाँ पर दिखा रहे ओके गाइस। यहाँ पर जैसे कि होम पेज जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी नॉट स्टेटस नॉट फॉर दिखा रहे स्टेटस 404 नॉट फाउंड गाइस। दैट मीन्स इसका रिसोर्स अवेलेबल है। तो आ जाएंगे जैसे कि इसको भी सॉल्व कर देंगे इस एरर को नेबर में आएंगे होम पेज से मैं क्लिक करूँगा इंडेक्स ऑफ द स्पेस खुल जाए राइट। तो आके रिफ्रेश कर लेंगे तो होम पेज से क्लिक करूँगा इंडेक्स जैसे पेज खुल रहा है सक्सेसफुली। तो गाइज ये वाला मॉडल कंप्लीट हो चुका है राइट। तो ये काउंट वाला एंड पेशेंट वाला एडमिन डैशबोर्ड का मैंने दिखाया। तो गाइज जैसे वीडियो से कुछ हेल्प हो तो लाइक कर देना, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर सकते हो एंड कुछ भी डाउटेड आइडिया आप इंस्टाग्राम मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।